Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ये जो 10-10 पोर्टल है इसके बाद क्या आने वाला है, क्या आने का सबसे ज़्यादा संभावना है। नाउ इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल मैटर, इट कैन बी इन योर पर्सनल मैटर, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो ऑफकोर्स हम स्टार्ट करेंगे। 10 इज़ अ नंबर विच इंडिकेट्स बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स, ठीक है? नई शुरुआत भी है, ख़त्म भी है, फिर नई शुरुआत है। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshna1369। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन थ्रेड्स @sudakshna1369। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में 10-10 पोर्टल के बाद क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। वॉट इज कमिंग आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें ये 10-10 पोर्टल के बाद क्या आने वाला है। ओके, सो वी डू हैव द नाइट ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे पास है 8 ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे है हमारे पास द टावर, वेरी गुड। किंग ऑफ कैरिश्मा, हमारे पास है सन, वाओ, 19 नंबर इंडिकेट्स द 10 ऑल्सो, सो यहाँ पे है सन, कंग्रेचुलेशंस, यस, व्हाई नॉट। क्वीन ऑफ कैरिश्मा, द किंग ऑफ कैरिश्मा एंड द क्वीन ऑफ कैरिश्मा, ऑलराइट, वेरी गुड। तो चलो बॉटम ऑफ द डेक तो देख लेते हैं। एस ऑफ कैरिश्मा, ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में 10-10 पोर्टल के बाद क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आ सकते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में 10-10 पोर्टल के बाद क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आ सकते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। वी डू हैव एज द किंग ऑफ एथेंस, वी डू हैव क्वीन ऑफ एथेंस, ऐसे यहाँ पे देखो किंग ऑफ कैरिश्मा, ऊपर से है क्वीन ऑफ कैरिश्मा, ऑलराइट। हमारे पास है द विच, दिस इज द मैजिशियन, यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस है, ऑलराइट। वी डू हैव नाइट ऑफ एथेंस, ओके, सो वी डू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द फोर ऑफ एथेंस। सो बेसिकली यहाँ पे सारे साइंस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ मिथुन और तुला राशि, यहाँ पे है हमारे पास कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि, वी डू हैव जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे है कैंसर साइन, वी डू हैव टॉरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गो इज इम्पॉर्टेंट। तो सारे साइंस ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या सब आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 6, 1, 1, 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 8, ओके एंड यस 8, 4, 1, 16, 6, 8 एंड 4। नाउ क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों के ऊपर, शायद आप उस चीज़ को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ को आप खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी तो वो सुंदर है लेकिन आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, आप उस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। मे बी यू आर वेरी गुड इन डेकोरेशन, हो सकता है कि आप अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन यू आर, बट यू वॉन्ट टू, यू कैन से बिकम द परफेक्ट पर्सन। बस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल
आपके लिए बहुत ज़्यादा योग बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पैटर्न्स अनफोल्ड हो रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो क्रंच है, आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, राइट, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन हो, इवन देश के साथ, विदेश के साथ, वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है आपस में जुड़ा हुआ है, सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे ग्लोबल रिसेशन के वजह से या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से आपके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था, राइट। सो ऑफ कोर्स आपके फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, ऑल दो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, बट फिर भी आप शायद पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स बना ही लोगे। अगर आपकी एज अराउंड 45-50 है तो शायद आप ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप रिटायर्ड होने भी जा रहे हैं, आपके पापा या आपके मम्मी, तो भी उन्होंने आपके लिए, आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए बहुत ही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स पहले से बनाए होंगे, जिसका रिवार्ड कुछ समय के बाद आपको मिलेगा। नाउ लॉट ऑफ मनी कैन गेट ट्रांसफर्ड इन टू योर अकाउंट। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जन कल्याण, ठीक है, उसमें शायद आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा और उनका ब्लेसिंग सबको मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा देके उनको सहायता कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। यू आर डोनेटिंग मेनी थिंग्स लाइक स्वीट्स, फ्रूट्स, ब्लैंकेट्स, ठीक है। वंस आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी, तो वहाँ पे जो बॉस थे हमारे, तो वो सैटरडे के दिन, मतलब महीने में एक सैटरडे, तो वो हमें ओल्ड एज होम में लेके जाते थे, फिर उनको डोनेट करवाते थे, बट नॉट मनी, ही डिड नॉट बिलीव इन मनी, ठीक है। वो विश्वास रखते थे पैसा देना नहीं है, बट ब्लैंकेट्स, खाना, फल, ठीक है, पेस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स वी पैक्ड। फिर हम लोग कुछ ही लोग जाते थे, बट सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जो भी पार्टिसिपेट करते थे, सो वी यूज टू गेट ट्रीट्स, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना ये सब कुछ चीज़ था, बट हम लोग अपने दिल से करते थे। जिनको दिल से करना था उन्हीं को सर बुलाते थे, बाकी लोगों को नहीं। सो आई डू फाइंड लाइक नॉट ओनली गिविंग मनीटरी बेनिफिट्स, बट आप ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे आप देते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मुझे वो घटना याद आ रही है तो ज़रूर ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके ऑफिस से भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। हो सकता है कि आप बॉस हो और आप अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ उनके हेल्थ इंश्योरेंस करवा देंगे, मतलब आपके द्वारा उनके लाइफ और भी इम्प्रूव्ड होते जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेकअप के बाद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप ब्रेकअप से ही गुजर रहे हो, बट आफ्टर 10-10 पोर्टल देयर कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आई कैन सी आफ्टर दिस टावर ना, आई कैन सी दिस द सन कार्ड। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट, और बीच में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा रिलेशनशिप होगा, अबंडेंट रिलेशनशिप, जो आपको ऐसा नहीं करेगा कि 2 दिन आपको इम्पोर्टेंस दिया, तीसरा दिन से आपको जस्ट फ्रेंड के जैसे रखा, और चौथा दिन से भूल गए कि आप उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हो। ऐसा कुछ रिलेशनशिप तो आपके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके लिए वैसा रिलेशनशिप आ रहा है जहाँ पे आपको तवज्जो दिया जाएगा, जहाँ पे आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट माना जाएगा कि आप भी उनके हम सफ़र हो, आप भी उनके सोलमेट हो, एंड यू आर मेंट फॉर अ पर्पस। आप दोनों का मिलन यहाँ पे एक पर्पस फुल जर्नी दिखाई दे रहा है, मीनिंगफुल वे में आप दोनों लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो। विद द किंग ऑफ एथम्स एंड क्वीन ऑफ एथम्स, दिस इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू पीपल विल बी लाइक वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी बैलेंस्ड, वेरी लॉयल पीपल, ट्रस्ट वर्दी, एक दूसरे के लिए विश्वास होगा आप दोनों का, एंड दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, सिंसेयर होंगे, डेडिकेटेड होंगे, इसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ विथ बोथ ऑफ यू लाइक कपल गोल्स जिसको बोला जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आलतू फालतू गोल्स नहीं है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों का जो गोल है, बिकॉज यू आर लाइक ट्विन फ्लेम या डिवाइन सोलमेट्स, आप दोनों का पर्पस बहुत मीनिंगफुल होगा। योर कंट्रीब्यूशन विल बी हेल्पिंग द सोसाइटी, समाज को इन जनरल पे हेल्प करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप बोलते हैं कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ही है,
ऐसे ही होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग फॉर अ यू कैन से हॉस्पिटल राइट, बोथ ऑफ यू आर डॉक्टर्स. ठीक है, तो आप सेवा करें. अगर बोथ ऑफ यू आर पॉलिटिशियंस फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, तो आप लोग जन समाज कल्याण कर रहे हो. कहीं ना कहीं पे आप दोनों एक दूसरे के साथ उस काम के साथ जुड़े हुए हो. मे बी आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं पर्सनैलिटी में, बट आप दोनों का पर्पस ऑल ओवर इट विल बी द सेम. सो आई डू फाइंड लाइक दैट जिस तरह से आपने अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट अप कर रहे हो, लेकिन शायद आपको इमिडिएट रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है, बट वेट, यू आर स्टिल गिविंग दैट एनर्जी. शायद आपको और एनर्जी देने की ज़रूरत है, और एफर्ट्स देने की ज़रूरत है. कुछ लोग अगर कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, सो द बेस्ट टाइम इज नाउ, बिकॉज हो सकता है आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए और भी आए. अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो उस एग्जाम में आप कैसे अपीयर करेंगे. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है दिस कि आपके घर में पता नहीं ब्राह्मण लोग हो सकते हैं, भोग मतलब भगवान का पूजा कर रहे हैं आप, या आप बहुत सारे अपने मतलब रीति रिवाज के हिसाब से आपके धर्म में आपके मज़हब में जो परमिट करता है, जनरली भूखे जो लोग हैं उनको खाना खिलाना इस तरह से, या पंडित को अपने घर में बुलाना फिर भोजन कराना ब्राह्मण्स को, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई डू फाइंड लाइक वेरी रिलीजियस पर्पस ऑल्सो एट द सेम टाइम. एंड ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़े आफ्टर 10th, एंड हो सकता है कि आप कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन बिजनेस में हो, या आप सही में खरीदना चाहते हो, आपको वो प्रॉपर्टी खरीदना मे बी आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, मे बी आपके सिटी में नहीं मिल रहा है बट काफ़ी दूर जाके मिल रहा है. आजकल बहुत सारे लोग फार्म हाउस में ही अपना जीवन बिता रहे हैं बिकॉज दे लव द विलेज एरियाज. आजकल विलेज भी विलेज कहाँ है, विलेज भी बहुत डेवलप्ड है, बट एटलीस्ट कोसो दूर है सिटी से, तो जीवन बिताने में मज़ा आएगा आपको. सो मे बी यू विल बी सो मच यू कैन से फॉर दैट. आ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो ठीक है, या कोलैबोरेशन के द्वारा क्लाइंट्स को लेके आना, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जॉब फिर वो परमानेंट हो जाना. कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए आप अगर आप अप्लाई करो, इवन फॉर क्लैरिकल एग्जाम ऑल्सो, IBBO वेरी क्लैरिकल एग्जाम्स, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोविशनरी ऑफिसर्स के लिए हो सकता है ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो सकता है, एनी टाइप ऑफ यू कैन से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो सकता है, म्यूनिसिपलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहाँ पे आप अपने अप्लाई किया था. और डेफिनेटली आप देख रहे हो काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद वो सक्सेस हो रहा है. नाउ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा उद्देश्य मेरा रहता ही है वो है आपको सही राह दिखाना, ताकि आप उस राह पे चले और अपने जीवन में भरपूर कामयाब हो. सो लेट्स सी कि यूनिवर्स भी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार होते हुए. जो पहले क्लैशेस था, ईगो प्रॉब्लम्स थे, झंझट था, थर्ड पार्टी इश्यूज था, वो भी सॉल्व हो रहे हैं. आप दोनों ना एक दूसरे के जो गुण हैं उसको रियलाइज कर रहे हो, इससे बेटर और कुछ है नहीं. ऑलराइट, वी डू हैव माँ सीता, ओके, वी डू हैव वाता, कर्मा. आई टोल्ड यू, चाहे कोई गुड कर्म करे और लोग बोले कि नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं, आजकल के दिन में ना बहुत अच्छे लोगों का कुछ वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्रॉड होने का चांसेस हो जाता है, किसी को इतना नज़दीक नहीं आना देना चाहिए, किसी के ऊपर सब सिर्फ अपना ही देखो, लोगों का मत देखो, ये सब कुछ चीज़ चलता है. लेकिन कर्म इज़ लाइक दैट यू नो वर्ड, चाहे वो सत्य युग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कली युग हो, कर्म ऑलवेज पेस राइट. चाहे गुड कर्म हो चाहे वो बैड कर्म हो, वो रिटर्न होके आएगा ही आपके पास. सो बेटर इन्वेस्ट योरसेल्फ इन वेरी गुड कर्मस. आप कहाँ पे थे देखो, इन फ्यूचर यू आर स्टैंडिंग हाई, सो बेटर कर्म ठीक है. जो भी आपके आंसू गिराए होंगे
उसको मिल रहा है वो सारे लोअर लेवल्स, और आप जा रहे हो हायर असेंशन पर, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड ओजस वेरी, यू कैन से स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, यू कैन से लाइक नॉन डुअलिटी, कहीं ना कहीं पे आपको फिक्स हो जाएगा कि मुझे कन्फ्यूशन अगर है आपको फिक्स हो जाएगा। एंड आई डू ऑलवेज सी द कार्ड फ्रॉम द पिक्चरिक पॉइंट ऑफ व्यू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यू कैन बी टू इन्फ्लुएंस लाइक क्रिएटिंग अ वेरी गुड डिज़ाइन, ठीक है, आप यूनिवर्स के लिए, ठीक है, इस ब्रह्मांड के लिए, लोगों की सहायता के लिए आपके कोई इन्वेंशन या आपके कोई फ्यूचर गोल सबका काम आएगा। दूसरा है माँ सीता का भी, मतलब शी वॉज ऑल्सो टेस्टेड, राइट, कि आप अग्नि में चलो, फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे इतना परीक्षा नहीं देना है, मुझे अपने भूमि माँ के नीचे ही चले जाना है, तो वो चली गई। क्योंकि एनी लेवल ऑफ टॉलरेंस, एक लेवल, एक मात्रा होना चाहिए, फिर वो नहीं कर पाई, फिर वो चली गई, बिकॉज शी कुड नॉट टॉलरेट, एवरी टाइम शी हैज़ टू गिव आंसर, नो शी कुड नॉट, तो वो हार मान के वो नीचे चली गई। सो एवरी टाइम पीपल विल डिस्टर्ब यू, आपको हमेशा प्रमाण नहीं देना है, ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट तक आप एविडेंस दीजिए, लेकिन उसके बाद नहीं। आप एक्सक्यूजेस बोल सकते हैं इसको, एक्सक्यूजेस लोग दे देते हैं, पर आपसे सच्चाई की उम्मीद जरूर करते हैं कि आप नहीं दोगे। सो देयर इज अ टॉलरेंस लेवल। आई डू फाइंड कि आप ऐसा वृक्ष हो जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा, उसमें फल भी आएगा, फूल भी आएगा, हरियाली भी रहेगा, एंड डेफिनेटली योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एंड नो वन कैन अपरूट यू, कोई आपको उखाड़ फेंक नहीं सकता, इतना मुझे पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग था, प्लीज़ उसको क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड